Hey guys, welcome back to a brand new video. तो यार कल हम लोग को सिड भाई की तरफ से एक ट्वीट देखने को मिला जहाँ पे वो कहते हैं हमारे लिए लॉबी वेट नहीं हुई फाइनल्स की फॉर अ फ्यू मिनट्स, बट लास्ट मैच में 6 मिनट्स डिले हो गया फॉर अदर टीम्स, लाइफ इज टफ बीइंग टीम सोल। एंड सिड भाई के इस ट्वीट पर स्काई स्पोर्ट्स की तरफ से हेक्स विजय रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं ट्वीट करने से पहले मायावी से पूछ लो, मैंने खुद पर्सनली बहुत बार ये इन्फॉर्म किया है कि आपके प्लेयर्स बहुत ज्यादा लेट ज्वाइन करते हैं लॉबी, पहले भी बहुत सारी वार्निंग्स दी गई हुई है एंड इस बार तो मैच 10 मिनट लेट स्टार्ट हुआ स्केड्यूल टाइम से, फिर वो लोग ज्वाइन नहीं किए। एंड इस पर मायावी की तरफ से भी रिप्लाई देखने को मिला। मायावी कहते हैं फिर से एक बार जाके ट्वीट को रीड करो, हम लोगों ने माना और दो मैन के साथ खेले मेरा मार वाला गेम, जबकि हम लोगों ने मैच को रीस्टार्ट करने के लिए भी बोला था स्पॉन आइलैंड में ही, बट यही ट्रीटमेंट हम लोग हर टीम के साथ एक्सपेक्ट कर रहे थे। लास्ट मैच टाइम पर क्यों नहीं हुआ, 8 मिनट डिले होने का क्या रीजन था। एंड हेक्स विजय की तरफ से हम लोग को एक और ट्वीट देखने को मिला जहाँ पे वो कहते हैं कि हम लोग रुक सकते हैं, बट जब हम लोग को मैनेजर या फिर कोच से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, कम से कम हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि मैनेजर्स एंड प्लेयर्स टाइम पर ज्वाइन हो जाए, तो क्या ये मांग बहुत बड़ी है। एनीवेज हम लोग बात कर लेते हैं जोनाथन के बारे में। तो कल हम लोग को स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में जोनाथन खेलते हुए दिखाई नहीं दिए थे, तो इसके पीछे आकर क्या रीजन था वो चीज नियो बताते हैं एंड वो क्या बोलते हैं आप लोग देखो यहाँ पर। अरे जॉनी गाइस, जॉनी सुबह तक तो मतलब मैं और जॉनी, जॉनी सोने गया सुबह 6:40 को, मैं हर्ष और जॉनी एक साथ थे सुबह, सुबह वो गया वो और बहुत थका हुआ था वो, 6 घंटा कल स्ट्रीम किया। ठीक है, अभी गॉड भी फिफ्थ प्लेयर है तो उसको भी मतलब प्रैक्टिस में रहना चाहिए तो सही है। और इसके बाद फिर नियो से बहुत लोग बोलने लगे कि इतना लंबा स्ट्रीम करने की जरूरत ही नहीं थी कि मैचेस ना खेल पाए, एंड ये भी बोलने लगे कि जोनाथन डेडिकेटेड नहीं है। एंड इन चीजों पर नियो क्या बोलते हैं आप लोग देखो यहाँ पर। 5 घंटे स्ट्रीम करने कौन बोला, अरे करा यार उसको मन था, सही है ना, डेडिकेशन है रे उसका, तुमको लगता है नहीं ये है, आखिर के दो मुकाबले में कल उतना अचीव करने के बाद भी इतना खेल रहा है तब डेडिकेशन है। और उसके बाद फिर कल लॉल्स फर्स्ट टाइम एडमिनो का गेम प्ले देखते हैं एंड एडमिनो का परफॉर्मेंस लॉल्स को कैसा लगा वो चीज वो अपने स्ट्रीम पर बताते हैं, वो क्या बोलते हैं आप लोग देखो यहाँ पर। एडमिनो ओपी, अरे भाई मैं सच बताऊं ना, मैंने एडमिनो का गेमप्ले कभी नहीं देखा था, आज मैं कार में बैठे बैठे उसका गेमप्ले देख रहा था, वो जो हाईलाइट अपलोड करता है अभी जो डाला था उसने ग्राइंड है ऐसा कुछ, लाइक क्या था टाइटल की बातों से नहीं गेम से बोलूंगा ऐसा कुछ टाइटल डाला था उसका, मैं वो देखा भाई क्या खेलते हैं, प्रॉपर खेलते वो, चाहे नीड हो चाहे उसका स्प्रे हो यार बहुत प्यारा खेलता है। उसके बाद फिर गॉडलाइक की टैलेंट मैनेजर बताती है कि गॉडलाइक में भी बहुत चीजें सॉर्ट हो रहा है एंड बहुत जल्दी सब चीजें सॉर्ट हो भी जाएगी एंड उसके बाद फिर क्रॉन्टन एंड अमर आकर के सब चीजें एक्सप्लेन कर देंगे, क्या बोलती है आप लोग देखो यहाँ पर। ये लाइव कब आएंगे, परेशान हो गए हम भी तो करना लाइव, चीजें सॉर्ट करना है तो थोड़ा टाइम लगता है ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा चल रहा था सॉर्ट करने का, वो चीजें सॉर्ट हो चुकी है, मैं इतना बोलूंगी आप लोगों को, आप लोग जहाँ जहाँ से जो जो चीज सुने हो अभी तक वो सारी चीजें सॉर्ट हो गई है, थोड़ी चीज बाकी वो कंप्लीट हो भी जाएगी इस वीक तक, फिर क्रॉन्टन एंड अमर आके आप लोगों को सब बता देंगे, तो मेरे को कुछ मत पूछ, मैं वो बोलूं। उसके बाद फिर रिसेंटली हम लोग को टीम सोल टीएक्स के ड्रॉप में जाकर के ड्रॉप क्लैश लेते हुए दिखे एंड इस चीज के रिलेटेड स्प्रे गॉड बात करते हैं अपने स्ट्रीम पर, वो क्या बोलते हैं आप लोग देखो यहाँ पर। चनोक का करो कुछ, करेंगे यार चनोक का करेंगे, चनोक में कल जब सोल आई थी तब क्या सोच रहे थे भाई, कुछ नहीं यार, शायद हमें भी ये बात सच लगती है कभी कभी कि टीम्स को हमसे कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है तो आ जाती है स्वाद चखने कुछ ना कुछ चीज का। उसके बाद फिर कीकी से एक बंदा बोलता है कि वो जेली से बेटर आईजीएलिंग कर लेगा एंड उसको टीम गॉडलाइक में ले लेने के लिए एंड कीकी इस पर क्या रिप्लाई करते हैं आप लोग देखो यहाँ पर। हार्दिक क्या बोल रहा है भाई, जेली से बढ़िया आईजीएल हूं गॉडलाइक में ले, चुकर साले, क्लासिक में तेरे 5 किल होते नहीं होंगे तुझे आने भाई, आईजीएल बन के इधर हमारे आईजीएल के बारे में बकवास कर रहे हैं भाई, एक टीवन टूर्नामेंट खेलेगा ना भाई तेरी गीली हो जाएगी भाई, क्या है और अभी के टाइम पे आप एस पावर का परफॉर्मेंस देख के उसको जज मत करना, बिकॉज आप सबको पता है कि भाई एस पावर अलग ही लेवल पे डीबीएस चलाता है, तो फिलहाल तो उसका कंपैरिजन ही हम कर सकता है, इसका कंपैरिजन हम एडमिनो के साथ कर सकता है, कोई और प्लेयर के साथ कर सकता है, कोई तीसरा प्लेयर के साथ कर सकता है, बट ये साइड जो है सेम रहेगा, तो एक टाइम पे इस साइड पे जोनाथन हुआ करता था जब यू नो जोनाथन एक टाइम पे कंसिस्टेंट रहता था, फिलहाल एस पावर है तो अपने को मानना पड़ेगा, बट अगर ऑफिशियल इवेंट में भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है एस पावर का या फिर पूरा सोल का वगैरह जो है, देन हम जो परफॉर्मेंस आने वाला टीम का देखेंगे कि भाई कितना बढ़िया खेल, ठीक है।
उसके बाद फिर सेट भाई बात करते हैं मावी के करंट परफॉर्मेंस के रिलेटेड एंड वो क्या बोलते हैं आप लोग देखो यहाँ पर। How is G playing fucking good यार। I hope they play like this in official also। ऐसी youngster एक playing very good, very happy for Mavi। Very very happy, genuinely very happy for Mavi। Next यार iFlix बात करते हैं कि टीम मायावी के ऊपर जब हैकिंग का एलिगेशन लगा था तो मायावी उन चीजों से बच सकते थे। जैसे G के ओनर ने चीजों को हैंडल किया था वैसे ही मायावी भी उन चीजों से निकल सकते थे। एंड एग्जैक्टली iFlix क्या कहते हैं आप लोग देखो यहाँ पर। मायावी की सिचुएशन में बहुत सिंपल था गाइस, मायावी इसलिए फंस गया था क्योंकि ब्रो ग्लोबल स्पोर्ट का ऋषिंद्र भाई ने क्या किया ब्रो। ऋषिंद्र भाई बीइंग अ वेटरन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी इस टीम को सपोर्ट कर रहे थे ठीक है एक टाइम तक, यू नो क्योंकि मायावी वाज अ कोच ऑफ ग्लोबल स्पोर्ट्स, ग्लोबल स्पोर्ट्स वाज आल्सो यू नो इन दिस सेशन बेसिकली। ऋषिंद्र भाई ने क्या बोला, भाई मेरे को डाउट है, इतना सारे प्रूफ्स वगैरह आ रहा है, मेरे को खुद पता नहीं है, मैं खुद डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेट मी मेल माई ऑफिशियल्स एंड ऑल सीन एंड देखता हूँ मैं कि क्या कर सकता हूँ। और उनको इनफ प्रूफ नहीं मिला, वो उनको इनफ प्रूफ नहीं मिलने की वजह से उन लोग को मतलब ना वो पीआर खराब भी हो रहा था साथ साथ में, और उन लोग को बोलने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था यार। हाउ विल ऋषिंद्र भाई डिफेंड दिस टीम, दे वर नॉट एबल टू डिफेंड, ऋषिंद्र भाई डिफेंड ही नहीं कर पा रहा था भाई कुछ बोल के, क्योंकि इनफ प्रूफ ही नहीं था। हर दिन एक एक प्रूफ ला रहा है भाई, स्नेल स्नेल लाते रहे लाते रहे, दूसरा वीडियो तीसरा वीडियो चौथा वीडियो, तो ऋषिंद्र भाई ने खुद ही छोड़ दिया, आई कैनॉट सपोर्ट दिस टीम, छोड़ दिया। माया भी कभी सेम कर सकता था, माया भी उसी टाइम पे बोल देता कि भाई तुम्हारा जायज है, भाई तुम बोल रहे हो कि भाई इस पे यह है लागू है। भाई कल के दिन में ना टीम जोकर को कोई तुतुल की एलिगेशन लेके आएगा ना ब्रो, मैं आज भी बोल रहा हूँ टीम आईफ्लिक्स के अंदर जोकर हो गया, गिल हो गया, यू नो ऑक्टा हो गया, डूम हो गया, कोई भी बंदे का तुतुल लेके आएगा ना ब्रो, मैं बाइट के खुद चेक करूंगा ब्रो ठीक है। अगर तुम्हारे पास इनफ प्रूफ है ना तो मैं यहाँ बैठ के डिपेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसका नाम टीम आईफ्लिक्स है, यह है जो गलत कर रहा है वो गलत है, सिंपल सी बात है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन भी इनेबल कर देना, एंड मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।